इसके पास फोन है, इसका रास्ता भी, इसका अभी कनाडा में भी किसी के साथ में रास्ता है, इसने एक ऐसी सिम ले रखी है जो ये आउट ऑफ कंट्री में भी ये कॉल पे बात करती है, और एक ऐसे व्यक्ति है हमारे साथ में है वो इसकी पूरी खबर रखते हैं, जैसे कल इसके बच्चे वहां गए थे मथुरा वृंदावन, ये नहीं गई थी, तो सबसे पहले उन्होंने ही मुझे बताया कि सरिता बहन वो नहीं गई है, वो और उसके लप्पू का पापा जो है वो घर पे ही हैं, बाकी सब गए हैं। तो हमारे पास सारी खबर होती है, देखिए जिस तरह से ये लोग सारी खबरें रखते हैं हम लोग भी इनकी सारी खबर रखते हैं। सचमुच में एक पिता के लिए काम कर रहे हैं, एक पिता के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ में अगर काम करने के लिए गए हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको अच्छी बुद्धि दे और अच्छी बुद्धि के साथ में वो काम करें। जो काम सूर्य भाई कर रहे हैं उनको उस रास्ते से वो भटकने ना दें, जैसे कल यहाँ पे अमर भाई ने बोला कि वाकई में वो अपने मुद्दे से भटक गए, तो सूर्य भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा उनका बोलने का जो उनकी वाक शक्ति है वो बहुत अच्छी है, और उसके हिसाब से अगर उनके पास शब्दों की कमी हुई तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति ने उनको गाली दी, सिर्फ इसलिए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो किसी की गालियों से डिस्ट्रैक्ट हो, किसी की गालियां इतना फर्क पड़े, इतना फर्क पड़े किसी की गालियों से कि वो अपने मुद्दे से भटक जाए, तो मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, जिस पैनल पे वो बैठे हुए थे उस पैनल पे ठूस ठूस के उनके दिमाग में ये चीजें भरी गई थी कि इस प्रकार की बातें हैं। हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है भाई, हम महिलाएं हैं, हमारा नाम ले लेके बोलते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पुरुष वर्ग को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई गाली देता है तो गाली से आज तक कौन मरा है, मेरे को तो ये नहीं लगता कोई मरा हो गाली से, कोई नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता है, सोशल मीडिया है, आप गाली बको। हमें तो देशद्रोही का टैग लगा दिया है सो कॉल उस चैनल वालों ने, हमें तो ये भगोड़ी भगानी है, और हमें तो उन बच्चों को उनके वहां स्थान तक पहुंचाना है, उनके बाप तक पहुंचाना है, उसके बाद कहां वो, कहां हम, कौन से हमने डेली डेली उनके लिए हमने यहाँ पे आके वो करनी है, फिर हमारे और सारे मुद्दे होते हैं। एक बाप ये अपने आप को उस बाप की जगह रख के देखो ना, क्योंकि हम खुद उस बाप की जगह अपने घर, हमारे घर के मर्दों ने अपने आप को रख के देखा है कि हमारे बच्चे हमसे थोड़ी सी देर में, साक्षी आप बताइए बच्चा आप थोड़ी सी लेट हो जाएंगे कॉलेज से आके, पेपर देके तो घर में प्रॉब्लम होगा नहीं होगा। मैम यहाँ, मैम टीचर रह चुकी हैं, मैम कहाँ कहाँ जाती हुई है, एक बिजनेस वुमेन है, लेकिन वो भी इतना सोचते होंगे कि मेरे को अगर दूसरे स्टेट में जाना है तो थोड़ा अपनी सेफ्टी में जाऊं। इस औरत ने तो ये भी नहीं सोचा, इस औरत ने चार बच्चे, हम एक बच्चे को लेके ना मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो हमसे वो थैले नहीं संभलते, वो बच्चे नहीं संभलते, इस औरत से चार बच्चे भी संभल गए, ये इतने वो तोड़ के आ गई, इतने वो बाप रे इतने खुशी में, और इतना मतलब इसका क्या है, इसके पास जो फोन है ना, इसके पास अभी भी पांच फोन है, अभी भी इसके पास पांच फोन है, चार फोन एटीएस के पास जमा होने के बावजूद भी। और मैं आप लोगों को बिल्कुल, मैं साक्षी अगर आपकी लाइन में बोल रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी, और मैं ये बिना समझे सोचे समझे कभी कोई बात नहीं बोलती, मैं प्रूफ के साथ में बोलती हूँ। जब साक्षी को मैं, जब साक्षी को मुझे बताना होगा तो मैं साक्षी को ये भी बता दूंगी, क्योंकि कविता मैम के द्वारा, और हम लोग उनके उस पर भी बात करते हैं कि इसके पास जो मोबाइल है जो है, तो हमें पता है और हम सबको भी पता है कि अगर मोबाइल में वो काम कर रही है तो सारे हमारे जो वो है एजेंसी है ना, सबके उस पर नजर है, और सब ये देख रहे हैं कि ये ऐसा कोई कदम उठाए ताकि हम फिर इसको धर दबोचे, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लोगों के हाथ है और बहुत सारी बड़ी चेन बनी हुई है, जैसे आपको पता है सुनीता बहन, तो ये चेन जो है ना उस चेन को पकड़ना है हमें, इसी इसी को नहीं वो करना है डिपोर्ट। जी मैम, ये बच्चों के साथ में आई है, ये प्लांटेड आई है, इसके साथ में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं ना, रियली में आप लोग यकीन नहीं करोगे, गिन नहीं पाओगे आप लोग कि कितने सारे सारे लोग जुड़े हुए हैं। और ये यहाँ पे आके कह रही कि मैं एक फैक्ट्री, अपने आप को जो फैक्ट्री का दर्जा दे रही है ना कि मैंने यहाँ पे आके लोगों को रोजगार दिया है, तो वही लोग इसको यहाँ पे रखना चाहते हैं, बाकी और कोई लोग नहीं रखना चाहते हैं। और यहाँ पे सच में ही मैं साक्षी आपको सुन रही थी, मैंने कल रात को पूरी नहीं सुनी तो आज मैंने पूरा, वाकई में सारे के सारे लोगों ने क्या कर दिया ना, ये सीमा वर्सेस इंडियन वुमेन कर दिया है। हाँ, मर्दों को पड़ी ही नहीं हुई है, मर्दों को पड़ी ही नहीं हुई है, मर्दों को तो उसके ठुमके देखने से फुर्सत नहीं मिल रही है, जितने मर्द वहां जा रहे हैं उसके मुरीद होके आ जा रहे हैं, क्या है ऐसा जादू उसमें भाई, क्या है उसमें? अपने घर में देखो यार, आपके घर में भी माँ बहन बेटी हैं, या उस हैदर भाई की जगह अपने आप को रख के देखो कि आपके बच्चे अगर चार दिन किसी के घर में चले जाएंगे और आपके बच्चे किसी की गोदी में खेलेंगे और आपकी वाइफ आपको जलाने के लिए उसको जबरदस्ती अगर उन बच्चों को उस पराए मर्द की गोद में दे, उस पराए मर्द के पास दे, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? ये देखिए ना, चार साल पहले इसके साथ में क्या हुआ, एपी सिंह जी को कैसे पता, एपी सिंह जी को कैसे पता, या फोन पे हैदर भाई वहां से मारते, तो ऐसा कौन सा फोन, इतनी मतलब अगर हमारे उसने इतना वो कर दिया तो वो फोन हमें भी दे दो भैया, हमें भी बहुतों को मारना है जो लोग हमारे नाम लेते हैं, तो हमें फोन में घुस के मार दे, हाँ हमें फोन में घुस के मार दे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं और ऐसे मेन सबूत हैं, जिस दिन ये भाग भी रही थी ना, जिस दिन ये वहां से आई उस दिन इसको एक बंदे ने बोला भी कि कहीं मत जा, झगड़ा भी किया, इसने बोला मेरे को भाई जाना है, मैं मायके जा रही हूँ, मायके बता के मैं नानी के गाँव जा रही हूँ कि मैं बच्चों को गाँव लेके जा रही हूँ। तो इस तरह इससे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है, जब ये पहले भी आई थी तो पहले भी ये, जब ये अभी हैदर भाई जहाँ दर्शन करने आए हुए हैं वहां का नाम लेके आई थी, जब ये यहाँ पे आई थी एक महीना पहले 3 लाख रुपए जो हैदर भाई ने इसको दिए थे उमरा करने के लिए दिए थे। बेवकूफ औरत उमरा करने जाती, अपने हस्बैंड के साथ जाती, तेरे को तो पॉपुलर होना था हिंदुस्तान में आके, उसको डिपोर्ट करना है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे राज ऐसे हैं जो खुलने बाकी हैं।
देखिए आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि उसको डिपोर्ट नहीं करना है, और आप देखिए किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, जो इनलीगल आता है वो डिपोर्ट होता ही होता है, वो डिपोर्ट होता ही होता है। बहुत अच्छी तरह जानती है भगोड़ी, भगोड़ी ने किसी से बोला, मैं नाम नहीं लूंगी, कोई हमारी यहाँ की एक महिला गई थी, भगोड़ी ने बोला कि वो क्या बोलते हैं तनवीर के चैनल पे, असद के चैनल पे जो एक महिला आपकी उत्तराखंड की सरिता कठैत और उसकी मुस्कान के चैनल पे बैठी रहती है ना, उसने बोला है कि मैं उसको रैप्टा मारूंगी। मैंने कहा बेटा मेरा पास चलता ना तो मैं तो चुटिया पकड़ के वहां तक फेंक देती, जैसे आस्था माझी बोलती है ना, ये पूरा जो प्रोपेगेंडा होता है ना ये एपी सिंह जी का होता है। एपी सिंह जी क्या सोचते हैं कि हम इसको प्रेग्नेंट बता देंगे तो इतना ना 9 महीने खींच लेगी, फिर यहाँ पे बच्चा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा तो उस बच्चे को लेके इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे, थोड़े दिन और रह लेगी, ऐसे ऐसे करके इसको 7 साल 8 साल रख लेंगे। और वो सोच रहे हैं कि ये भैया ये तो उनमें इतना दिमाग क्यों नहीं आता है, वकालत कर रहे हैं यार, हम भी डेली पढ़ते हैं, हम भी डेली ये किताबें पढ़ रहे हैं, वो पढ़ के वो अपना उन्होंने प्रैक्टिस करके उन्होंने वो केसेस लड़ रहे हैं, हम केसेस पे जाते हैं यार, उनको इतना तो उनके दिमाग में आना चाहिए ना कि इनलीगल आई है और इनलीगल का लास्ट एंड फाइनल होता है डिपोर्ट। भाई एक औरत के लिए इतना कुछ हो रहा है, जो औरत भगोड़ी है जो इनलीगल आई है उसको ये लोग तवज्जो दे रहे हैं, और अपने हिंदुस्तान की महिलाओं को बोल रहे हैं कि इससे सीखो, ये देखो ये आई है तो हम चांद पे पहुंचे हैं, ये आई है तो हम ये हमने ये काम अचीव किया है, ये आई है तो हमारे यहाँ पे त्योहार मनाए जा रहे हैं, कमाल है यार हमने हमारे इसमें। अच्छा हमें बोला जाता है कि हम हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, यार तुम पाकिस्तानियों की लाइन में जा रहे हो, कौन हो तुम लोग जो हमें बोल रहे हो, जिसकी तुम तरफदारी कर रहे हो वो भी तो पाकिस्तान की है, वो कौन से हिंदुस्तान की है, ये समझ में नहीं आता इन लोगों को, दिमाग नहीं है क्या, ये सोचने समझने की बुद्धि वो हो गई एक औरत के सामने, उन्होंने 2 साल ठुमके अपने दिखाए और तुम लोग भूल गए अपने देश की, अपनी बीवियों तक को भूल गए हैं, सच में अपनी बीवियों तक को भूल गए हैं, अपने घर से लाइव नहीं आते हैं, जहां उनके ऑफिस हैं वहां रहते हैं रात रात को, 100 कॉल चैनल वाले तो वही करते हैं जो हमारा नाम लिख लिख के बोलते हैं, और जैसे ही बोलते हैं वैसे ही दूसरा फोन पकड़ के फट से नीचे से कह देते हैं यू आर राइट अनिल सर, खुद ही लिख लेते हैं सच में, इतनी फेक आईडी, जैसे जैसे कविता मैम करती है ना नोट, ऐसे मैं भी करती हूँ, इतनी फेक आईडी, इतनी फेक आईडी बना रखी है, आग लगे पहाड़ में जाए, हमें इस औरत को निकालना है, तुम गाली दो जो मर्जी करो, गाली से ना तो कोई मरता है ना हमें पास लगता है, इसके पास फोन है, इसका रास्ता भी, इसका अभी कनाडा में भी किसी के साथ में रास्ता है, इसने एक ऐसी सिम ले रखी है तो ये आउट ऑफ कंट्री में भी ये कॉल पे बात करती है, और एक ऐसे व्यक्ति है हमारे साथ में है वो इसकी पूरी खबर रखते हैं, जैसे कल इसके बच्चे वहां गए थे मथुरा वृंदावन, ये नहीं गई थी, तो सबसे पहले उन्होंने ही मुझे बताया कि सरिता बहन वो नहीं गई है, वो और उसके लप्पू का पापा जो है वो घर पे ही हैं, बाकी सब गए हैं, तो हमारे पास सारी खबर होती है। देखिए जिस तरह से ये लोग सारी खबरें रखते हैं हम लोग भी इनकी सारी खबर रखते हैं, सचमुच में एक पिता के लिए काम कर रहे हैं, एक पिता के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ में अगर काम करने के लिए गए हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको अच्छी बुद्धि दे और अच्छी बुद्धि के साथ में वो काम करें, जो काम सूर्य भाई कर रहे हैं उनको उस रास्ते से वो भटकने ना दें, जैसे कल यहाँ पे अमर भाई ने बोला कि वाकई में वो अपने मुद्दे से भटक गए, तो सूर्य भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा उनका बोलने का जो उनकी वाक शक्ति है वो बहुत अच्छी है, और उसके हिसाब से अगर उनके पास शब्दों की कमी हुई तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति ने उनको गाली दी, सिर्फ इसलिए, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो किसी की गालियों से डिस्ट्रैक्ट हो, किसी की गालियां इतना फर्क पड़े, इतना फर्क पड़े किसी की गालियों से कि वो अपने मुद्दे से भटक जाए, तो मैं नहीं मानती हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ जिस पैनल पे वो बैठे हुए थे उस पैनल पे ठूस ठूस के उनके दिमाग में ये चीजें भरी गई थी कि इस प्रकार की बातें हैं, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है भाई, हम महिलाएं हैं, हमारा नाम ले लेके बोलते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पुरुष वर्ग को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर कोई गाली देता है तो गाली से आज तक कौन मरा है, मेरे को तो ये नहीं लगता कोई मरा हो गाली से, कोई नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता है, सोशल मीडिया है, आप गाली बको, हमें तो देशद्रोही का टैग लगा दिया है सो कॉल उस चैनल वालों ने, हमें तो ये भगोड़ी भगानी है और हमें तो उन बच्चों को उनके वहां स्थान तक पहुंचाना है, उनके बाप तक पहुंचाना है, उसके बाद कहां वो कहां हम कौन से, हमने डेली डेली उनके लिए हमने यहाँ पे आके वो करनी है, फिर हमारे और सारे मुद्दे होते हैं, एक बाप ये अपने आप को उस बाप की जगह रख के देखो ना, क्योंकि हम खुद उस बाप की जगह अपने घर हमारे घर के मर्दों ने अपने आप को रख के देखा है कि हमारे बच्चे हमसे थोड़ी सी देर में, साक्षी आप बताइए बच्चा आप थोड़ी सी लेट हो जाएंगे कॉलेज से आके पेपर देके तो घर में प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, मैम यहाँ मैम टीचर रह चुकी हैं, मैम कहाँ कहाँ जाती हुई है, एक बिजनेस वुमेन है, लेकिन वो भी इतना सोचते होंगे कि मेरे को अगर दूसरे स्टेट में जाना है तो थोड़ा अपनी सेफ्टी में जाऊं, इस औरत ने तो ये भी नहीं सोचा, इस औरत ने 4 बच्चे, हम एक बच्चे को लेके ना मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो हमसे वो थैले नहीं संभलते, वो बच्चे नहीं संभलते, इस औरत से 4 बच्चे भी संभल गए, ये इतने वो तोड़ के आ गई, इतने वो बाप रे इतने खुशी में, और इतना मतलब इसका क्या है, इसके पास जो फोन है ना, इसके पास अभी भी 5 फोन है, अभी भी इसके पास 5 फोन है, 4 फोन एटीएस के पास जमा होने के बावजूद भी, और मैं आप लोगों को बिल्कुल, मैं साक्षी अगर आपकी लाइन में बोल रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी, और मैं ये बिना समझे सोचे समझे कभी कोई बात नहीं बोलती, मैं प्रूफ के साथ में बोलती हूँ, जब साक्षी को मुझे बताना होगा तो मैं साक्षी को ये भी बता दूंगी कविता मैम के द्वारा,